प्रूडेंस की गोल्डन गर्ल सिया मिश्रा। अशोक विहार ब्रांच की 6th C में पढ़ने वाली इस छुई मुई सी लड़की को देखकर धोखा मत खा जाइएगा। ये चेहरे से जितनी मासूम है, किक से उतनी ही मजबूत, इतनी मजबूत कि ताइक्वांडो के रिंग में पूरे देश में इसके सामने कोई नहीं टिक पाता। पिछले 6 महीने में ही इसने CBSE नेशनल, 64वें नेशनल स्कूल गेम्स और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 35वें सब जूनियर नेशनल कायोरूगी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अंडर 14 गर्ल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसलिए प्रूडेंस इसे अपनी गोल्डन गर्ल मानने लगा है। सिया के गोल्डन गर्ल बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। पिता ताइक्वांडो प्लेयर थे, शायद इसीलिए सेकंड क्लास में उसने ताइक्वांडो को ही अपना स्पोर्ट्स चुना। घर वालों को इस बात की जानकारी तब हुई जब स्कूल टीम के लिए चुनी गई। जब सिया का रुझान देखा तो पिता ने खुद मोर्चा संभाला, उसके बाद तो कहने ही क्या। खुद का इनिशिएटिव था कि मुझे ताइक्वांडो सीखना है, तो स्कूल में ये ट्राई करती थी, बड़े बच्चे आते थे उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाती थी। जब तक ये टीम में सिलेक्ट नहीं हुई, स्कूल की टीम में सिलेक्ट नहीं हुई, तब तक मुझे ही मौका नहीं मिला इसे बताने के लिए कि आप ताइक्वांडो करिए या कोई और स्पोर्ट करिए। जब इसका सिलेक्शन हुआ, इसने आना शुरू किया, पूछना शुरू किया है। मैं देखता था कि कर रही है, कुछ ट्राई करती है, पिट के भी आती थी क्योंकि बड़े लड़के होते थे उनसे पिट के आती थी। तो धीरे धीरे करके मैंने उसको दो चार चीज़ें बताना शुरू किया एंड ग्रेजुअली शी लर्न। जब जीतने लग गई तो फिर उसको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तो देन शी पिक्ड अप। सिया के पिता की माने तो छुई मुई से दिखने वाली इस लड़की की खासियत इसका एग्रेसिवनेस है। रिंग में उतरते ही सिया काफी एग्रेसिव और अटैकिंग हो जाती है। इस एग्रेसिवनेस के साथ जब वो ड्रॉप और टर्निंग किक लगाती है तो सामने वाला उठता नहीं, उठ जाता है, और यही उसे स्पेशल बनाती है। इसके लिए रोजाना घर पर पिता से गुण सीखने के अलावा स्कूल में भी खूब पसीना बहाती है। फीमेल एग्रेसिव प्लेयर्स बहुत कम होते हैं एंड शी नेवर प्लेज डिफेंसिवली, तो एग्रेशन जो है वो नेचुरल है इसका, और वो बड़े आसानी से दूसरों पर हावी हो जाती है, तो वो इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और विल टेक हर टू हाइट्स। सर, ये काफ़ी मेहनत करती है और अपनी गेम पे काफ़ी ध्यान देती है और प्रैक्टिस बहुत से करती है, और इसका ये है कि ये हमेशा ही बहुत सीरियस प्रैक्टिस को लेकर बहुत सीरियस रहती है। सर, इसका जो बेस्ट किक है जब मुझे लगता है ड्रॉप किक और 360 जो किक मारती है और टर्निंग किक। किक मारने के अलावा सिया पढ़ाई में भी काफी अच्छी है। सिया की क्लास टीचर सरयू अरोड़ा की माने तो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी है जो दूसरे बच्चों को प्रेरित करता है। इसके अलावा वो क्विक डिसीजन लेती है, साथ ही अपने फैसलों को लेकर कभी सर पकड़कर नहीं बैठती। लीडरशिप स्किल्स आर अमेजिंग। शी इज नॉट वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू फॉलो हर, रादर स्टूडेंट्स फॉलो हर। अ वेरी टैलेंटेड एंड अ क्विक डिसीजन मेकर एट सच अ यंग एज। शी इज अ वेरी क्विक डिसीजन मेकर एंड शी डज नॉट रिग्रेट फॉर द डिसीजंस दैट शी मेक्स। यही नहीं, पढ़ाई में भी काफी अच्छी है, जिसे देखकर सरयू कहती हैं, आई थिंक शी हैज मेंटेन गुड बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। इट्स अ बिग डील टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन स्पोर्ट्स एट द सेम टाइम मेंटेन दैट पेस इन एकेडमिक्स आल्सो। सिया इसका सारा क्रेडिट स्कूल को देती है, जो स्पोर्ट्स में मदद करने के साथ ही स्पोर्ट्स की वजह से छुट्टी पढ़ाई को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास देता है। एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा टाइम व्हेनेवर आई लीव माय कोर्स, दे मेक मी स्टडी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज और व्हेनेवर आई कम टू द स्कूल, दे हेल्प मी स्टडीइंग ऑल द कोर्स। सिया के हुनर और जज्बे को देखते हुए किसी ने अभी से उससे ओलंपिक गोल्ड मेडल की उम्मीद लगा ली है, लेकिन जेट जोन्स को अपना आइडल मानने वाली सिया इसके लिए जेट से उनकी साइड किक और पंच सीखना चाहती है। आई वॉन्ट टू अडॉप्ट दैट शी प्लेज वेरी वेल, हर साइड किक इज वेरी पावरफुल, शी पंचेस वेरी वेल। सिया की काबिलियत को देखते हुए प्रूडेंस परिवार सिया के बेहतर भविष्य की कामना करता है, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है। सिया फॉर इंडिया। We'll be right back.